आपका स्वागत है अगले वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं डेस बकिंगहम को लेकर। सो डेस बकिंगहम क्या मुंबई सीरीज से छोड़ के दूसरे क्लब में जा रहे? तो कल से रूमर्स काफी ज्यादा है कि अन्य डेस बकिंगहम मुंबई सीरीज से छोड़ के जाने वाले। तो वैसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बता देता सिचुएशन क्या थी। डेस बकिंगहम के पास एक दूसरे क्लब का ऑफर है, इंग्लिश प्रीमियर लीग के थर्ड डिवीजन के क्लब का ऑफर है, जिस क्लब का नाम है लिंकन सिटी एफसी। एंड वो मतलब ये क्लब डेस बकिंगहम को एज अ कोच अपने टीम में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन सिटी फुटबॉल ग्रुप का ये बड़ा क्लियर सा एक पोजिशन रहा है काफी लंबे टाइम से कि वो डेस बकिंगहम को कहीं पे नहीं जाने देने वाले, एंड वो डेस बकिंगहम अभी के लिए तो मुंबई सीरीज में ही रहने वाले। सो या फॉर श्योर मिड सीजन में तो फॉर श्योर डेस बकिंगहम कहीं नहीं जाने वाले। मुंबई सीरीज इतना इजीली तो डेस बकिंगहम छोड़ेंगे नहीं, एंड डेस बकिंगहम भी अभी मुंबई सीरीज से छोड़कर दूसरे क्लब में जाना नहीं चाहते। वो जा भी रहे इंग्लैंड के थर्ड डिवीजन के क्लब में, जो कि बिल्कुल भी खराब नहीं, मतलब इंग्लैंड का थर्ड डिवीजन में बोल सकता हूं आईएसएल के स्टैंडर्ड का है। एंड अगर सेकंड डिवीजन का होता तब मैं बोल सकता कि हाँ यार काफी अच्छा पोजीशन में उनको मौका मिला। थर्ड डिवीजन इट्स लाइक आईएसएल स्टैंडर्ड, एंड वहां पे उनको उतना सैलरी भी नहीं मिलेगा जितना उनको अभी आईएसएल में मिल रहा है, क्योंकि आईएसएल में सैलरी प्लेयर्स को आप बोल लो या फिर ऐसे मैनेजमेंट को या फिर कोचेस को सैलरी काफी ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि कोचेस का जो सैलरी है वो एक्चुअली वो सैलरी कैप में काउंट नहीं होता। तो कोचेस को काफी ज्यादा हेवी पेमेंट्स, हेवी सैलरीज उनको दिया जाता है। तो कोचेस को एक्चुअली प्लेयर्स से ज्यादा पैसा मिलता है, ऐसे काफी सारे कोचेस है, चाहे लुबेरा हो, जुआन फिरांडो, शायद डेस बकिंगहम को भी काफी सारे प्लेयर्स से काफी ज्यादा सैलरी उनको मिलता है। सो इसी की वजह से लाइक अभी के लिए तो डेस बकिंगहम फॉर श्योर मुंबई सीरीज छोड़कर दूसरे क्लब में नहीं जाने वाले। एंड हाँ, उनके पास ऑफर्स है, क्योंकि कोच वो अच्छे हैं तो उनके पास ऑफर्स तो होगा ही होगा। और अगर वो एक्चुअली मुंबई सीरीज छोड़कर जाएंगे तो उनके पास सिर्फ लिंकन सीरीज का नहीं, और भी दूसरे इंग्लिश क्लब्स का ऑफर होगा उनके पास। तो देखते हैं कि क्या इन फ्यूचर वो मुंबई सीरीज छोड़कर दूसरे क्लब में जाते हैं नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं केरला ब्लास्टर्स इसी के बारे में। तो केरला के लिए प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहा है, बट फिर भी उन्होंने वो फाइटिंग स्पिरिट अभी तक दिखाया है। एंड एक और केरला के प्लेयर इंजर्ड है, एंड इस बार वो बैकअप मतलब रिजर्व प्लेयर है, इसलिए उतना सीरियस बात नहीं है। लेकिन सी रिजर्व प्लेयर्स भी अगर इंजर्ड हो रहे तो बहुत अच्छा बात भी नहीं है केरला के लिए। तो फ्रेडी लालमावा वो इंजर्ड, अगर मैं नाम से नहीं बोल पा रहा हूं एक्सट्रीमली सॉरी, तो वो लाइक यू नो फ्रेडी इंजर्ड है, उनको एंकल लिगामेंट उनका जो है वो स्ट्रेच्ड हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे एक लाइक यू नो इंजरी आया उनको, एंड 4 हफ्ता लगेगा उनको रिकवर होने में। तो आप पकड़ के चलो 1.5 महीना से पहले तो वो वापस नहीं आने वाले। वैसे भी उनको उतना कोई प्ले टाइम केरला में उतना मिल भी नहीं रहा था, तो उतना सीरियस इंजरी नहीं है। लेकिन इंजरी होता है, प्लेयर्स रिजर्व अवेलेबल नहीं होंगे तो केरला के लिए दिक्कत होगा। एंड इवन वुकोवेनोविच भी पूरा कोशिश कर रहे, लाइक जितना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो सकता है सब लगा दिया केरला ने, या फिर आप बोल सकते हो इवन वुकोवेनोविच ने, उनके मैनेजमेंट ने, कि केरला ताकि टीम अच्छे तरीके से वो जो शेप है वो शेप मेंटेन रहे, क्योंकि इतने प्लेयर्स इंजर्ड, रेड कार्ड, अनअवेलेबिलिटी, लाइक टीम का जो शेप है, जो परफॉर्मेंस है, उसको इफेक्ट करता ही करता है। लेकिन केरला ने अभी तक तो उस चीज को पकड़ के रखा है। सो हैट्स ऑफ टू द प्लेयर्स एंड द मैनेजमेंट की इतना डेडिकेशन वो लोग दिखा रहे टीम के प्रति। एंड उम्मीद करते हैं कि फ्रेडी जितना जल्द से जल्द हो सके अच्छे से रिकवर कर जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पंजाब एफसी के बारे में। तो विद्यासागर सिंह जो कि करेंटली केरला में है, वो केरला छोड़ के दूसरे क्लब में जाना चाहते हैं, एंड या तो नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में या फिर विंटर ट्रांसफर विंडो में जाने में यू नो जो अभी आने वाला है उसमें विद्यासागर सिंह हो सकता है हम लोग देख पाए उनको केरला छोड़कर दूसरे क्लब में जाते हुए। उनके ऊपर अभी के लिए तो पंजाब एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया, पंजाब एफसी रेस में बहुत ही आगे। एंड विद्यासागर सिंह मैं बोलूंगा एक अच्छा साइनिंग होगा पंजाब के लिए, एंड केरला के लिए भी मैं बोलूंगा एक अच्छा रिलीज हो सकता है, ऑल्दो केरला को बैकअप प्लेयर्स चाहिए होगा। क्योंकि सी विद्यासागर सिंह अच्छे स्ट्राइकर है, इंडियन स्ट्राइकर है, उनको उतना ज्यादा मौका प्लेइंग अपॉर्चुनिटी उतना मिल नहीं रहा है केरला में। एंड उनको पता है कि अगर एज अ स्ट्राइकर वो सिर्फ बेंच में बैठे रहेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो उनका गेम का भी उतना इंप्रूव नहीं होगा। सो मेरे हिसाब से ऐसे क्लब में जाना चाहिए जहां पर उनको प्ले टाइम मिलेगा, एंड पंजाब एफसी फॉर श्योर वहां पर उनको प्ले टाइम मिलेगा, एंड लाइक लुका मैजन और लाइक जुआन मेरा का पूरा सपोर्ट भी उनको मिलेगा, एंड ये भी वो सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे। सो नो डाउट पंजाब के लिए भी बहुत अच्छा डील होगा, एंड एज अ प्लेयर विद्यासागर सिंह के लिए भी काफी एक विन विन सिचुएशन वाला ये डील हो सकता है। लेकिन कितना ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि केरला भी इतना इजीली जाने नहीं देंगे, ऑलरेडी प्लेयर्स इंजर्ड है, एंड नेक्स्ट ईयर तक का तो कॉन्ट्रैक्ट भी इसीलिए बोला जा रहा है कि विंटर ट्रांसफर विंडो का नाम है, तो नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में विद्यासागर सिंह फॉर श्योर को दूसरे क्लब में जाने वाले, क्योंकि वो जाना चाहते हैं, वो केरला छोड़ के दूसरे क्लब में जाना चाहते हैं, उनका ये पर्सनल एक लाइक यू नो एक डिसीजन है। सो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या एक्चुअली विद्यासागर सिंह केरला छोड़ के राउंड ग्लास पंजाब या फिर बेसिकली पंजाब एफसी में जाते रहे।
नेक्स्ट चलो बात करते हैं एफसी गोवा के बारे में। तो एफसी गोवा इज बैक ऑन द पॉइंट टेबल नंबर वन एंड नंबर पे शुरू वापस आ चुके हैं। एफसी गोवा का ऑलरेडी सीजन का स्टार्ट बहुत ही बढ़िया हुआ है एंड मेलो मार्कस रोका ने बोला कि वो इस चीज को कंटिन्यू फॉर श्योर रखना चाहते हैं। हम सबको पता है कि इस बार गोवा कलर आई किस क्लब के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा होने वाला है, वो फॉर श्योर मोहन बगान होने वाला है। एंड मोहन बगान मैं मानता हूँ कि एफसी कप में उन्होंने अपना लास्ट मैच हारा है, बट सी फुटबॉल का गेम है, हार जीत चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बट फॉर श्योर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है गोवा के लिए बाकी का सीजन। एंड अभी तक का तो उनका जितना भी प्लानिंग था वो एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है कि सीजन में एक अच्छा स्टार्ट मिले, पहले 5 मैचेस में 4 मैचेस जीतना, 1 मैचेस ड्रॉ करना, ये स्टैट्स दिखाता है कि यार टीम बहुत अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड है। और मैं मानता हूँ कि यार मोहन बगान ने मैचेस नहीं खेला है, बट सी अभी सीरीज स्टार्ट हुआ है, मोहन बगान भी कुछ मैचेस ड्रॉ करेंगे, हारेंगे भी, क्योंकि अगेन पार्ट ऑफ द गेम, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर मैच वो जीते, मतलब पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है। और गोवा के अगेंस्ट में भी मैच है मोहन बगान का, तो वो मैचेस काफी डिसाइडिंग बन जाएगा फिर। और ऐसा नहीं कि गोवा भी मैच नहीं हारने वाला, गोवा भी फॉर श्योर कोई ना कोई मैचेस गोवा भी हारेगा। एंड वही ना, फुटबॉल ऐसा गेम है कि हार जीत वो चलता रहता है, लेकिन ये टक्कर काफी सॉलिड का होने वाला है। मेलो मार्कस रोका हर एक, जैसे उन्होंने सीजन के स्टार्ट में बोला था कि इस बार वो हर एक टीम के लिए अलग प्रिपरेशन, अलग स्ट्रेटजी, अलग टेक्निक्स के साथ ट्राई करेंगे, ताकि यू नो वो एक पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहते, ताकि वो जल्दी से, क्योंकि आजकल के टाइम पे सारे ही टीम्स के पास प्रॉपर एनालिसिस एक मैनेजमेंट टीम होता है और इतने अच्छे रिकॉर्ड में सब कुछ चल रहा है, तो वो लोग आराम से एनालाइज कर लेंगे। लेकिन अगर आप हर एक टीम के लिए अलग स्ट्रेटजी यूज करोगे तो हर एक टीम ज्यादा कंफ्यूज रहेगा कि यार क्या होने वाला है। वो पूरा एडवांटेज गोवा फॉर श्योर लेने वाले हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस में भी एफसी गोवा का परफॉर्मेंस अच्छा हो। एंड अभी तक का ये जो स्ट्रेटजी गोवा ने यूज किया कि हर टीम के लिए अलग टैक्टिक्स, इसको लेकर आपके क्या थॉट्स है, आपके ओपिनियंस है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अली लाल के बारे में। तो ये काफी बहुत बड़ा न्यूज तो नहीं है, लेकिन इसको काफी बड़ा बनाया जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो अली लाल हो सकता है कि वो नेमार को डी रजिस्टर करते हैं, हो सकता है नहीं, वो कर भी देंगे, मतलब टीम लिस्ट से उनको निकाल देंगे, क्योंकि रख के कोई फायदा नहीं है उनको, वो इंजर्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बस उनको टीम लिस्ट से निकाल दिया जा रहा है अभी के लिए, ताकि उनके जगह में नए प्लेयर को रजिस्टर करवाया जाए, क्योंकि 9 महीने के लिए वो बाहर है। एंड 9 महीने के लिए जबकि प्लेयर बाहर होता है, आप उनको टीम लिस्ट में लग के करोगे क्या? सी सैलरी उनको वैसे भी देना है, और अगर वो टीम में रहे फिर भी उनको मिलेगा, नहीं रहे फिर भी उनको मिलेगा, लिस्ट में रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे सैलरी का कोई रिलेशन नहीं है, उनको वो पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो प्लेयर का स्पॉट खाली हो जाएगा, तो अली लाल नए प्लेयर्स को साइन करके रजिस्टर करवा सकते हैं, वरना रजिस्टर वो नहीं करवा पाएंगे। इसी की वजह से नेमार को अभी के लिए डी रजिस्टर करवाने का उन्होंने सोचा है, जो कि कोई बहुत गलत डिसीजन नहीं है अली लाल का, कोई भी क्लब कर लेगा वो। नेक्स्ट चलो बात करते हैं प्रीमियर लीग के बारे में। तो प्रीमियर लीग में आज काफी ज्यादा बड़ा मैच है, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। एक तो टॉटनहम ने कल हार के पूरा प्रीमियर लीग का गेम पॉइंट टेबल पूरा हिला के रख दिया है, एंड टॉटनहम ने कल वैसे मैच अपना हारा है, वो भी वुल्व्स के अगेंस्ट में था, तो लास्ट मोमेंट में हारा, लेकिन हार तो हार होता है, कुछ कर नहीं सकते। ये मैच है आज रात को 10 बजे, चेल्सी का ये होम मैच होने वाला है, चांसेस तो काफी कम है चेल्सी का ये सीजन का परफॉर्मेंस, यूनाइटेड का अगर हम लोग खराब बोल रहे तो बहुत लोगों ने शायद चेल्सी का मैचेस देखा नहीं, क्योंकि उनका उससे भी ज्यादा गया गुजरा परफॉर्मेंस है चेल्सी का, और कोई उम्मीद ज्यादा है नहीं इस मैच से। सिटी करेंटली पॉइंट में वैसे भी नंबर वन पोजीशन में है, तो ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, बट उम्मीद करते कि फिर भी चेल्सी थोड़ा सा अगर फाइट दिखा दे तो देखने में अच्छा लगेगा, तो देखते कि मैच के रिजल्ट फाइनली क्या होता है। नेक्स्ट चलो बात करते हैं लालीगा के बारे में। तो लालीगा पे भी आज मैच है बार्सिलोना वर्सेस अलावेस, एंड ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सी बार्सिलोना एक तरफ काफी स्ट्रॉन्ग टीम है एंड अलावेस उतना भी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी यार अलावेस है, 12th पोजीशन में है करेंटली, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जीतना, बार्सिलोना के लिए भी काफी वाइटल बन जाता है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में नंबर वन में जिरोना 2 पॉइंट्स आगे रियल मैड्रिड से, अभी कॉम्पिटिशन अलग चल रहा है जिरोना रियल मैड्रिड बार्सिलोना, तो मेनली जिरोना और रियल मैड्रिड, क्योंकि बार्सिलोना भी काफी पीछे, तो उनके लिए मैच जीतना काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो टॉप के रेस में रह सके। एंड अभी जिरोना के साथ बार्सिलोना का टोटल पॉइंट्स डिफरेंस 7 पॉइंट्स का है, ये मैच जीत के वो 4 पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन मैचेस सबने सेम ही खेला, मतलब बार्सिलोना ने एक मैच कम खेला, आज वो सेम हो जाएगा। एंड एलेवेस के लिए भी जितना इंपॉर्टेंट है, ताकि थोड़ा सा पोजीशन इंप्रूव हो सके, 14th पोजीशन में करेंगे, 12th बता रहा था मैं, 14th पोजीशन में, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच का रिजल्ट फाइनली क्या होता है। एंड ये मैच है आज रात को 8:45 में, आप जियो सिनेमा में फ्री में इसको देख सकते हो। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो
को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के बीच में, एंड अगर शेयर में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना ताकि मैं जब भी करूँ अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड मैं दोनों के साथ तब तक के लिए बाय।